हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ दोस्तों। और ये देखिए, शादी का इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं सब लोग। यहाँ पे दरवाजे पे बारात आ चुकी है। कल की वीडियो जहाँ से एंड हुई, वही हमने दूसरा व्लॉग शुरू कर दिया है। तो आज अभी देखिए, बारात आ चुकी है दरवाजे पे, हमारे दरवाजे पे। लेकिन अभी जहाँ पे बारात लगनी है, जहाँ पे शादी होनी है, वहाँ धीरे 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 करके बारात आगे बढ़ रही है। कि जितने बाराती हैं ना, वो डीजे को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे, नाचने में इतने मगन हैं, इतने मस्त हैं कि बारात लगने में शायद मुझे लगता है 12 से 1 या 2 बज जाना है, कुछ ऐसा ही हो जाना है। दूल्हे राजा बैठे हुए थे कार के अंदर, लेकिन उन्हें सारे बारातियों ने मिलकर उतार दिया है और अपने साथ बिना नचाए उन्होंने दम नहीं लिया है। सब इतने फुल मस्ती में थे, इतने फुल मस्ती में कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। बिना दूल्हे को नचाए किसी को राहत मिली ही नहीं। धीरे 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 करने के बाद काफ़ी 1.5-2 घंटे के बाद दोस्तों बारात पहुँच चुकी है फाइनली दरवाजे पे, जहाँ होनी है शादी। तो यहाँ पे भी अभी सब लोग नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। और जब बारात पहुँचती है ना, सबसे पहले दूल्हे का स्वागत किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, और जो भी रीति रिवाज रसम है उन्हें सबसे पहले पूरा किया जाता है। तो सबसे पहला रसम बारात आने से, एक पहली रसम होती है, इससे वो हो चुकी है। ये दूसरी रसम जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। एक तरफ हो रहा है दूल्हे का स्वागत, दूसरी तरफ दूल्हे राजा के जो भाई हैं, दुल्हन के जो देवर जी हैं ना, वो बिल्कुल रुकने का नाम ही ले नहीं ले रहे, नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। और यहाँ पे बड़े पापा अपने दामाद जी का स्वागत कर रहे हैं, इसे हमारे यहाँ बोलते हैं दुअरा का चार। तो ये वाली रस्म हो रही है दुअरा का चार, यहाँ पे दूल्हे का स्वागत किया जाता है, टीका लगाया जाता है, पंडित जी वगैरह होते हैं, मंत्र बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। इधर दुल्हन हमारी तैयार हो चुकी है, दुल्हन का फुल जो गेटअप है, फुल लुक है ना, वो कुछ इस तरह से है। मेकअप कैसा हुआ है ये आप लोग कंफर्म करके बताइएगा कि मेकअप जो है वो दुल्हन का कैसा हुआ है। पूरा मैं आप लोगों को एकदम बारीक से, एकदम पास से दिखा दे रही हूँ कि कैसा क्या लुक है दुल्हन का। नहीं तो पता है दोस्तों, अभी जब एक बार जब स्टेज पे दुल्हन जाएगी ना, फिर वहाँ इतने बाराती रहेंगे ना कि हम लोगों को तो वहाँ पे जगह ही नहीं मिलने वाली। इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को दुल्हन को दिखा दिया। दुल्हन का टीका जो है मुझे थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, पर ये पार्लर वाली जो है, जिन्होंने मेकअप किया है, वो खुद वहाँ पे बुलवाई हुई थी। मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इतना टाइट था, मुझे डर लग रहा था कहीं ये बिगड़ ना जाए, इसलिए मैंने छुआ भी नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दुअरा का जो चार होता है वो हो चुका है, और अब दुल्हन को लाल चुन्नी के साथ उनके चारों पांचों भाई मिल करके लेके चल रहे हैं स्टेज पे। बगल में हैं ज्योति दीदी, अर्चना, सबसे पहले है सौरभ, फिर उसके बाद है सचिन, दोनों मेरे भाई हैं, पीछे है प्रदीप, फिर उसके बाद है जीतू, मतलब चार पांच भाई। सब चार लोगों को नहीं होना चाहिए, 5 लोगों को होना चाहिए शुभ काम में, शादी विवाह के जब जो अवसर होते हैं यहाँ पे, इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 लोग थे, फिर यहाँ पे एक प्रदीप भी लग गया, संजू भैया उधर थे, मुझे लगता है 7 भाई हमारी फैमिली में लगभग जो है लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़कियाँ ज़्यादा नहीं हैं, लड़कियाँ कम हैं, 13 लड़कियाँ हैं, 6 दुनी 12 1 13, हाँ 13 लड़कियाँ और 15 लड़के हैं। तो लड़कों की कमी नहीं है, भाइयों की कमी नहीं है, तो लग गए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके जो कैमरा वाले भैया हैं वो लोग आराम से करवा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी फ़ोटोशूट वगैरह करना था, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना होता है, तो चीज़ें उनमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं होती है। तो एक बार मौका फिर चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। हालांकि जिस टाइम ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उस टाइम लगता है कि भीड़ भाड़, मतलब
उलझन, कितनी जल्दी चीजें हो जाएं, ये सारी चीजें। लेकिन जब एक बार हो गई ना, दोबारा देखने में हमें लगने लगता है, कमियां निकालने लगते हैं, ये चीजें इन्होंने ऐसे नहीं की, उन्होंने वैसे नहीं की। लेकिन उस टाइम इतना भीड़ भाड़ शोर शराबा, इतने लोग होते हैं ना कि सारी चीजें चाहकर भी उस तरह से नहीं हो पाती। इधर दूल्हे राजा का अब स्टेज पे स्वागत कर रही है दुल्हन। पहले दुल्हन के पापा जी ने स्वागत किया, अब खुद दुल्हन डायरेक्ट सबके सामने खुला कर रही है दूल्हे राजा का स्वागत। तो अच्छा, ये उसके बाद ये कैमरा वाले भैया लोग जो हैं अपना अपना ये पता नहीं क्या निकालते रहे, स्टेज पे उन्होंने पैर वगैरह छूने का, जो आशीर्वाद वगैरह देने का, जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो उन्होंने किया, साली आरती वगैरह उतारी, ये सारी चीज़ें जो होती रहती है वो उन्होंने करवाया। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे वरमाला डाला जाएगा। वरमाला डालते टाइम ना दोस्तों, काफ़ी मज़ा भी आया लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लगा, क्योंकि वरमाला जैसे ही प्रीति डाल रही थी ना दूल्हे राजा के गले में, दूल्हे राजा को उनके भाई लोग पीछे तरफ खींच रहे थे, और इसी चक्कर में वरमाला जो है वो टूट गया था। फिर उस इसको ठीक किया गया और सब ने मज़ा लिया काफ़ी। हालांकि दूल्हे राजा को इन लोगों को ऊपर उठाना था, फिर वही कंपटीशन में दुल्हन को भी उठाया जाता, लेकिन इन लोगों ने पीछे दूल्हे को खींचा, और जिससे कि वरमाला टूट गया। इधर हमारी पूरी फैमिली भरी पड़ी है, बारात में जो है औरतें नहीं आई हैं दोस्तों। गांव में ना बहुत कम लोग बोलते हैं लड़कियों को, औरतों को बराती के तौर पे ले जाना है, क्योंकि वो हिचकिचाते हैं, डरते हैं कहीं झगड़ा लड़ाई कुछ हो ना जाए। इसी वजह से शायद इनकी भी बारात में कोई लड़कियां नहीं आई हैं। तो सारी जो औरतें हैं वो हमारे घर रिलेशन के हैं, और बारातियों में सिर्फ जेंट्स वगैरह आए हैं। जयमाल यानी वरमाला होने के बाद ही खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे दूल्हे ने दुल्हन को और दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला डाल दिया, और वरमाला डालने के बाद जो है वो पूरा ऐसा लगता है दुल्हन का जो मेकअप है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब लुक एकदम अलग सा छा जाता है ना, देखे देखने में भी कितना सुंदर लगता है। और कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, मतलब कुछ लोग हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको पता नहीं शादी किसकी हो रही है, तो ये हमारी बहन की शादी हो रही है, हमारे बड़े पापा की लड़की की शादी, हमारी छोटी बहन की। और कुछ लोगों की, मतलब हमारे ऐसे सब्सक्राइबर जो मेरे चाहने वाले एकदम मुझे दिल से प्यार करते हैं, उन्हें मुझे इस तरह से देखकर अच्छा नहीं लगते, वो लोग बोलते हैं दीदी आप इतनी सिंपल सी क्यों थी, आपने मेकअप बिल्कुल किया नहीं, जबकि आपको मेकअप करना इतना पसंद है, मेकअप की वीडियो भी आप बनाती रहती हो। तो हाँ डियर, मुझे पसंद है मेकअप करना, लेकिन मैं इस टाइम बिल्कुल सिंपल मतलब रहना ही पसंद करती हूँ, और इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। तो शादी हो या ब्याह हो या कुछ भी हो, पर बस माता रानी इनकी जोड़ी बनाए रखे, हमेशा सुखी रहे, खूब अच्छे से अपनी लाइफ में इंजॉय करे और खूब तरक्की करे, और जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रहे। फिर उसके बाद भाभी आ गई थी, भाभी के बाद ये आ गई है छोटी वाली भाभी, मतलब छोटी तो मुझसे सभी भाभियाँ हैं सिवाय दो भाभियों के, इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, दो भाभियों के सिवाय सभी भाभी भाई छोटे ही हैं। उसके बाद ये इनकी, ये वाला जो कपल अभी दिख रहे हैं ना आपको, इनकी शादी पिछले साल हुई थी, तो इनका भी प्रॉपर पूरा ब्लॉग, तिलक वगैरह सब कुछ पूरा बना पड़ा है। तो इस वाली दुल्हन ने ना अपनी शादी की साड़ी पहन रखी है, और ये ना मुंह ढकी हुई थी पूरा, तो हम लोग बोल रहे थे कि मुंह मतलब कि खोल लो, घूंघट थोड़ा सा आज खोल ले, क्योंकि ससुर जी वगैरह जेठ जी यहाँ पे है नहीं, ये ब्लैक शर्ट वाला प्रदीप इनका जेठ है, पर ये उधर मुंह करके खड़ा हुआ था, सबने बोला उधर मुंह करो उधर मुंह करो, क्योंकि फोटो खिंचवाना है भाई। तो फिर ये, लेकिन मैं
उसके बाद यहाँ पे ज्योति दीदी और हम यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे थे, क्योंकि अब पता नहीं कब मौका मिलेगा ये शादी के बाद फोटो वगैरह क्लिक करवाने का। मनीषा थी, मनीषा की बेटी अनुष्का, यहाँ पे उसे मौसी के पास बैठ के फोटो खिंचवाना था। इधर मानसी को भी खिंचवाना था और नैन्सी को भी खिंचवाना था। मतलब बच्चे ऐसे होते हैं ना, छोटे छोटे, इनको एक दूसरे का जब ये देखते हैं ना, तो इन्हें भी मन करता है वैसा ही करने का। उसके बाद दुल्हन तो जा चुकी थी भाई, लेकिन दुल्हन के बाद यहाँ पे इतनी हुड़दंग मचा दी थी हम सब बहनों भाइयों ने। मतलब हम सबको खुद की बहनों भाइयों के साथ फोटो खिंचवाना था, और मौका उस टाइम दुल्हन के साथ मिल नहीं रहा था। तो जैसे ही दुल्हन गई, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूरे इकट्ठे हो गए थे, सबके साथ हमने फोटो क्लिक करवाई। लेकिन जो ये डेकोरेशन वाले भैया थे ना, ये सोफा वगैरह जो दुल्हन के लिए स्पेशल आता है, उन लोगों ने मतलब हम लोगों को परेशान कर दिया था। क्यों? क्योंकि जैसे ही दुल्हन उठ के पीछे जाती है, वैसे ही ये डेकोरेशन, सोफा, लाइट वगैरह सारी चीजें तुरंत, दोस्तों तुरंत, 1 मिनट भी नहीं लगता है। लुंगी डांस तो बहुत हो चुका था दोस्तों। लुंगी डांस के बाद इधर अब बारी आ जाती है दूल्हे राजा को खाना खिलाने की। और अभी रात के बज रहे हैं, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, करीब 2 बजे का टाइम हो रहा है। तो सारे बाराती जो है, उन्होंने तो जाके वहाँ पे खाना खाया, लेकिन दूल्हे राजा के लिए अलग से खाना जाता है। ये भी एक रस्म होती है हमारे यहाँ। सालिया ले जाती है खिलाने के लिए, सरहज ले जाती है खिलाने के लिए, या फिर भौजाइया ले, यानी जिनका जिनका मजाक का पद बनता है ना दोस्तों, वही लोग ले जाते हैं अपने नंदोई को या फिर जीजा जी को खाना खिलाने के लिए। साथ में घर के लड़के भी थे, खाना खिलाने में सपोर्ट कर रहे थे। तो इधर थी मामी जी, और ये मामी जी ये भी वही जबलपुर से ही हैं, क्योंकि बड़ी अम्मा का जो मायका है ना, वो जबलपुर में ही पूरी फैमिली रहती है, तो वहीं से आना जाना होता है सबका। तो मामी जी यहाँ पे थी। तो अब दूल्हे राजा को हमारे यहाँ ये इस रस्म को बोलते हैं भाजी खिलाना। तो यहाँ पे भाजी वगैरह खिलाने का नाम तो होता है भाजी खिलाना, लेकिन पूरे पकवान जो भी होते हैं उन्हें सम्मान पूर्वक दूल्हे राजा को खिलाया जाता है। इधर संजू भैया, सुमन दीदी, ज्योति दीदी, इन लोगों ने खूब 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 मिलकर डांस किए। मुझे भी लोग बार बार बोले थे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, लेकिन मैंने कहा अभी थोड़ा सा मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, आप लोग डांस करो, उसके बाद ही मैं करूँगी। और भाजी वगैरह खिलाने के बाद दोस्तों तुरंत ही, मतलब एक के बाद फटाफट से सारी चीज़ें फिर चालू हो जाती है। विवाह जो मड़वा के नीचे होता है, फिर ये शुरुआत हो गया। दुल्हन वहाँ से आई थी तो कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं चेंज किए, ऐसे ही मंडप में बिठा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अब चढ़ाव चढ़ेगा। ये चढ़ाव वाला जो रिवाज है ना, वो हर कोई में शायद सेम ही होता है, क्योंकि जो गहने वगैरह दुल्हन को आते हैं ससुराल की तरफ से, वो मंडप के नीचे रखे जाते हैं। दोनों लड़की और लड़के तरफ से पंडित जी वगैरह होते हैं, मंत्र बोले जाते हैं, सारी चीज़ें पूरी मतलब बारीकी से एक एक चीज़ें इस पे, अक्षत वगैरह, टीका, मतलब पूजा पाठ करके, गंगाजल सब कुछ करके, फिर ही ये गहना जो है वो दुल्हन को, दुल्हन के हाथ में सौंपा जाता है। और यही गहने फिर विदाई के टाइम दुल्हन पहनती है। गहनों में मैं तो पास से दिखी नहीं थी, यहाँ पे अंजू ने रिकॉर्डिंग की थी। हार और जो भी होता है, जो उनका है, अपनी बहू को उन्होंने दिया है, सारा कुछ बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को दिए होते हैं सास ससुर, तो बड़े ही शौक से, बड़े ही सम्मान से लेके आते हैं वो। तो दोस्तों अभी रात के 1:30 बज गया, हम लोगों को भूख लग गई थी, दोबारा से मैं खाना खा रही हूँ। खा रही थी पहले शाम को, पर खाई नहीं थी क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा था। मगर अभी 1:30 बज गए, हम लोग वहाँ से आने के बाद खाना वगैरह लेके, हम उसी पानी पानी वो उधर मौसी ले ले, मैं भी खा रही और मौसी भी। तो आज की वीडियो का एंड करेंगे यहीं पे, कल का वीडियो कल से मॉर्निंग से शुरू होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। बाय बाय दोस्तों।